जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले सहित मंडल स्तर पर ध्वजारोहण कर प्रभात फेरी निकाली गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, इस अवसर पर आपका क्या कहना है? आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में भाजपा की स्थापना हुई थी, तब माननीय अटल जी ने कहा था कि मैं सागर के पश्चिम किनारे पर खड़े होकर कहता हूँ, अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज 42 साल की यात्रा में भाजपा भारत यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देश में वर्तमान भाजपा का है और इतना मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस प्रकार देश दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आने वाला समय दुनिया में भारत का होगा, भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा के कार्यों से, सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। एक तरफ तो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा, दूसरी तरफ भारत दुनिया का विश्व का नेतृत्व करेगा। कार्यकर्ताओं की ओर से मैं भाजपा के 18 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन लोगों ने अपने जीवन संगठन के लिए खपा दिया, चाहे वो श्याम प्रसाद मुखर्जी हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, राजमाता सिंधिया जी हों, केशव ठाकरे जी हों, सुंदर सिंह भंडारी जी हों, इन सबके चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।